हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पोहा और पत्ता गोभी से कटलेस। उसके लिए कटा हुआ प्याज, कटी हुई हरी मिर्च, कटा हुआ टमाटर, हरी धनिया, कड़ी पत्ता, पोहा, कटा हुआ पत्ता गोभी, बेसन, हींग। अब एक बाउल लेंगे। पोहा को हमने पहले एक घंटा कर भिगो दिया था, पोहा हमारा भीग चुका था, अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। इसमें डालेंगे कटा हुआ पत्ता गोभी, हरी मिर्च, कटा हुआ प्याज, कड़ी पत्ता, कटा हुआ हरा धनिया, कटा हुआ टमाटर, और डालेंगे हींग थोड़ी सी, लाल मिर्च पाउडर, नमक, गरम मसाला, और डालेंगे अब बेसन, और डालेंगे इसमें एक चम्मच तेल। इन सभी चीजों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। इसको हाथ से मिक्स कर लेंगे। पोहे और सभी सामग्री को हमने अच्छे से मसल कर मिक्स कर लिया हुआ है, और अब हाथ की सहायता से इसे लंबा लंबा करके कटलेस का आकार दे देंगे। ये देखिए हमारे कटलेस ऐसे बनकर तैयार हैं। अब कढ़ाई में हम तेल डालेंगे, तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब एक एक करके धीमी आंच पर हम कटलेस ही सेकेंगे, इसको हाई फ्लेम पर नहीं सेकेंगे। कटलेस में अगर बेसन कम होगा तो हमारे कटलेस टूटने लगेंगे, इसलिए बेसन इसमें जितनी जरूरत हो उतना ही डालें। इनको मध्यम आंच पर ही पकाएंगे। कटलेस को हम उलट पलट कर चारों तरफ से पका लेंगे। कटलेस हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, इनको हम निकाल लेंगे। और अब बनकर तैयार है पोहा कटलेस। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।